मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी यकम अक्टूबर 1915 को ईसा खैल मियांवाली के एक जमींदार घराने में पैदा हुए। आपने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही मैट्रिक का इम्तिहान आला नंबरों के साथ पास किया। अच्छा दिन से शोरफ के बायस कुरान पाक, हदीस व फिक्का, सीरत, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और इस्लामी तहरीकात के मौजूआत पर 2 साल में कोर्स मुकम्मल किया। नौजवान अब्दुल सत्तार खान अलामा मोहम्मद इकबाल और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से इंतहाई मुतासिर थे और मुस्लिम कौम की हालत इजार पर फिक्रमंद रहते थे। दौरे तालिब इल्मी में ही आपकी शख्सियत मुनफरद थी। बकौल साथी, बुजुर्गी बा अकल ना बा साल, बुजुर्गी अकल से है ना के उम्र से। 1936 में पंजाब स्टूडेंट फेडरेशन की साजिशों और नवंबर 1936 के जलसे के बाद नौजवान अब्दुल सत्तार खान ने अपने साथियों हमीद निजामी, अब्दुल सलाम खुर्शीद, अनवारुल हक और मियां मोहम्मद शफी समेत दीगर इकबाल और कायद के सिपाहियों से कहा कि हम मुसलमान तुलबा के लिए एक अलग तंजीम बनाएंगे। चंद साथियों ने फिरका वारियत जैसे इल्जाम से डर कर मुखालफत की तो अलामा इकबाल के पास जाने का फैसला हुआ। जावेद मंजिल में अलामा इकबाल ने मुलाकात के दौरान फरमाया कि ये लड़का ठीक कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अलग अपनी जमात बनाओ। यूं 1937 में पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद पड़ी। फेडरेशन ने मुस्लिम तुलबा के हकूक के तहफ्फुज और तहरीक को यकीनी बनाया। पहले सदर अनवारुल हक मुंतखब हुए। 1939 में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने पंजाब के तुलबा की तरफ से तैयार करदा खिलाफत पाकिस्तान स्कीम भी कायद आजम को पेश की और मियां मोहम्मद शफी के साथ मिलकर पाकिस्तान क्या और कैसे बनेगा के उन्वान से एक किताब भी लिखी। 23 मार्च 1940 तक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पूरे पंजाब में फैल चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ज़रूरत है जिस्मदा है, मोहम्मद अली जिन्ना। पार्क में मुस्लिम लीग के इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने हराबल दस्ते का काम किया और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कायद आजम के हम आवाज नौजवानों को कायद आजम ने कौम का मुस्तकबिल और आजादी की तहरीक की रूह करार दिया। 1944 तक मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीब आ चुके थे और वो उनके पैगाम को तुलबा की तहरीक से आम कर रहे थे। 1946 में कायद आजम ने आपको मियांवाली से टिकट दिया और 31 साल की उम्र में पंजाब असेंबली के रोकन मुंतखब हुए और 25 फरवरी 1947 को सिविल नाफरमानी तहरीक के दौरान गिरफ्तार हुए। कयामे पाकिस्तान तक वो एक मुतहर्रिक नौजवान और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के एक अजीम रहनुमा बन चुके थे। कयामे पाकिस्तान के बाद 1951 में पंजाब असेंबली के रुकन रहे। 1953 में उन्होंने तहरीक तहफ्फुज खत्म नबूवत में इंतहाई फाल किरदार अदा किया और मार्शल ला के दौरान फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई जो 14 साल की सजा में बदल दी गई और फिर अदालत ने 2.5 साल बाद आपको रिहा कर दिया। इसके बाद आपने अवामी इस्लामी खदमात और खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। 1970 में जमीयत उलमाए पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, उसके जनरल सेक्रेटरी और सदर रहे। 1988 और 1990 के आम इंतखाबात में वो कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 1994 से 1999 तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। आप वफाकी वजीर बल्दियात और मजहबी अमूर भी रहे, MSF के बानी रुकन और कायद के सिपाही, मारूफ सियासतदान, आलिम दीन, मुसन्निफ और तहरीके पाकिस्तान के मुजाहिद मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को अक्वामे आलम में मुस्लिम रहनुमा कद्र की निगाह से देखते थे और इकबाल और कायद के इस सिपाही ने मुजाहिद मिल्लत होने का सबूत दिया और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के फलाह और मिल्लत की बेहतरी के लिए कोशां रहे। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी 2 मई 2001 को अर्ज़ाए कल्ब की वजह से खालिक़े हकीकी से जा मिले। आपकी आखिरी आरामगाह मुजाहिद मिल्लत कम्प्लेक्स रोखड़ी मोड़ मियांवाली में मौजूद है।